हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। और आज का जो व्लॉग है वो होने वाला है वर्कआउट व्लॉग। फिर से वर्कआउट व्लॉग इसलिए लेके आ रहा हूँ क्योंकि लोगों को अवेयर करना है और अच्छे से फिट रखना है लोगों को, जितना भी मैं रख पाऊँ। कुछ तो मुझे देख के करेंगी, वो चीज़ है। और आज हम करने वाले हैं शोल्डर और ट्राइसेप्स। जो भी सेट्स होंगे, जैसे भी होंगे, सब दिखाऊंगा वीडियो में, वैसे ही वॉइस ओवर करके। और ये स्टार्टिंग है तो ऐसे दिखा रहा हूँ। मिलते हैं आगे। बूम। तो दोस्तों, पहला सेट हम ले रहे हैं डंबल प्रेस, और ये मेरा दूसरा सेट था। ऐसे आपको तीन सेट लेने हैं, पहला लाइट वेट से, दूसरा मॉडरेट वेट से, और तीसरा आप जैसे भी लेना चाहो। फेलियर सेट भी ले सकते हो, ड्रॉप भी ले सकते हो, जैसे भी आप लेना चाहो वैसे ले सकते हो। मैं तीनों सेट्स इसलिए नहीं दिखाता हूँ क्योंकि थोड़ा फिर वीडियो लंबा हो जाता है, तो इसलिए आपको ऐसे ही तीन सेट्स लेने हैं। और तीन सेट्स के बाद वापस से अपना दूसरा सेट स्टार्ट कर लेना है, ठीक है। मैंने ये डंबल प्रेस लिया था पहला सेट। अब हमारा जो दूसरा सेट है ये मैं ले रहा हूँ, और ये भी मेरा सेकंड सेट था, मतलब ये रॉड से मेरा सेकंड सेट था, ठीक है। तो ये है हमारा ओवरहेड प्रेस, इसको ले रहे हैं। इसमें कुछ लोग क्या करते हैं, शोल्डर्स जो होते हैं, मतलब जो आपकी एल्बो होती है, उसको बाहर की तरफ ओपन करते हैं। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो पूरी बनाऊंगा। तो आपको जो आपकी एल्बो है उसको नीचे ही आपको क्लोज करके तब डाउन करना है, तभी ये शोल्डर पे आएगा, तभी इफ़ेक्टिव हो पाएगा। और इसमें भी आप अपना फर्स्ट सेट है वो पूरा लाइट लो, उसके बाद मॉडरेट वेट से लो, थर्ड सेट आप ड्रॉप ले सकते हो। अगर आपको चार सेट लेने हैं तो आपका जो चौथा सेट है वो आप ड्रॉप से ले सकते हो, थर्ड सेट आप फेलियर ले सकते हो। लेकिन आपको जो आपका फोर सेट होगा, चौथा सेट जो आपका होगा, वो भी आपको क्या करना है पूरा, उसमें भी मतलब जैसे जैसे वेट कम करोगे लेकिन जाना फेलियर ही है। देखो होता क्या है ना, ऐसे तो मतलब जिम में बोल देते हैं कि भाई इतने मारो इतने मारो ये बस, लेकिन नहीं, मैं तो ये मानता हूँ कि जब तक आप बिल्कुल एकदम फेल ना हो जाओ एक्सरसाइज करते करते, तब तक इफ़ेक्ट ही नहीं आएगा। पूरा ब्लड फ्लो अच्छे से हो जाना चाहिए। तो ये था हमारा सेकंड सेट, चलते हैं अब थर्ड सेट की तरफ। अब हो चुका है हमारा थर्ड सेट शुरू फिर से, और ऐसे ही हमें थर्ड सेट के भी तीन सेट लेने हैं, चार लेने हैं तो चार ले सकते हो, वैसे तीन ही सही है, ठीक है। तो ये है हमारा थर्ड सेट जिसका नाम है बिहाइंड द नेक प्रेस। और इसको आपको क्या करना है, सिर्फ नेक तक लेके जाना है, जहाँ तक आपके कान है तब ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा ये। दूसरा, शोल्डर्स आपको पीछे की तरफ बिल्कुल फील करके, बीच बीच में भाई मैं आंखें भी बंद कर लेता हूँ क्योंकि बिल्कुल एकदम माइंड मसल कनेक्शन पूरा अच्छे से होना चाहिए, तो इसलिए वो चीज़ फील करनी पड़ेगी आपको, तभी आपको मज़ा आएगा एक्सरसाइज करने में। अदरवाइज़ एक्सरसाइज तो सभी कर रहे हैं। मैं अपनी बॉडी का अपडेट भी आपको दूंगा अगली 5-6 वीडियो के बाद, फिर आप देखना। तो ये हो चुका है हमारा थर्ड सेट कंप्लीट। तो अब शुरू होता है मेरा फेवरेट सेट। ये भाई सबसे फेवरेट सेट है और सबसे इफ़ेक्टिव सेट है शोल्डर्स के लिए, साइड लेटरल रेजेस, ठीक है, लेटरल यही होता होगा भाई, मेरे से ढंग से बोला नहीं जा रहा ये, ठीक है। साइड लेटरल रेजेस आपको लेना है, ऐसे पूरा फील करना है शोल्डर पे और जो आपके साइड रेजेस है वहाँ पे। ये मेरा फेवरेट सेट है, इसको आप जितना अच्छे से लगाओगे उतना अच्छा। इसमें सपोर्ट मैं इसलिए लेता हूँ, जितना ऊपर स्ट्रेच हो जाए उतना ही ज़्यादा ये मेरे को अच्छा लगता है, उतना ही ज़्यादा बिल्कुल हीट मिलता है बिल्कुल शोल्डर्स को, पूरा ब्लड फ्लो चला जाता है अच्छे से, और अच्छे से फिर मैं इसको लगा पाता हूँ। अभी ये शायद से मैं पता नहीं, हाँ 10 kg का डंबल है, और ये मेरा दूसरा सेट था, थर्ड में मैंने 15 यूज़ किया था। ऐसे ही आप भी, और इसके तीन सेट लेना, जितने ज़्यादा रैप्स आप निकाल पाओ उतने ज़्यादा निकालना, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। मेरी तो हालत ख़राब हो जाती है इस सेट में लगाने में, और मज़ा भी आता है। लेकिन चलिए मिलते हैं फिफ्थ सेट में। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग फिफ्थ सेट, द नेम ऑफ, नाम क्या है इसका, नाम क्या है, नाम क्या है, यस, रेयर डेल्ट फ्लाई, ठीक है भाई। ऐसा है, देखो मैं सीख भी रहा हूँ, आपको सिखा भी रहा हूँ, कुछ लोग मुझे देख के करेंगे भी। तो ये आपको करना क्या है, सीधा बटरफ्लाई पे जैसे आप चेस्ट लगाते हो उस पर ऊपर उल्टा बैठ जाना है पकड़ के ये दो थमले से, और इससे अपना फील करना है रेयर पे,
और बिल्कुल अच्छे से पीछे हिट करना है, पीछे हिट करना है, आगे लाते हुए स्लो, फिर पीछे हिट करना है, आगे लाते हुए स्लो। इससे आपके रियर डेल्ट एकदम मस्त हो जाएंगे। बहुत बढ़िया सेट लगता है मेरे को ये। इसके बाद एक सेट और आता है, वो मैं किसी और शोल्डर की एक्सरसाइज में बताऊँगा, ठीक है, रेयर के लिए। उसके बाद इसके साथ सुपर सेट लेते हैं हम, वो ठीक है, तो वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो अभी ये करने के बाद हमारा जो लास्ट सेट है 6, ठीक है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसके भी 3 सेट लेने हैं आपको, वापस फिर पहुँच जाना है अगली एक्सरसाइज के पास। तो अब शुरू होता है हमारा लास्ट सेट जिसका नाम है श्रग्स। श्रग्स में शोल्डर के लिए मतलब सॉरी, मैं रॉड से भी ले लेता हूँ और डंबल से भी ले लेता हूँ। मेरे को ज़्यादा इफेक्टिव रहता है रॉड से, तो रॉड से मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि पूरा स्ट्रेच हो जाता है, ठीक है, और शोल्डर से थोड़ा सा मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे फिक्स रहता है। तो इसलिए आपको करना क्या है, आप एक बार वीक में शोल्डर ये श्रग्स आप लोगे रॉड से, एक बार लोगे डंबल से। पूरी जितनी भी 6 की 6 एक्सरसाइज है बहुत इफेक्टिव है। शोल्डर्स का अपडेट भी दूंगा आपको, बताऊंगा भी, उसके बाद देखना कि हमने किया क्या है, ठीक है। मिलते हैं आगे, अब करते हैं ट्राइसेप्स के अपने स्टेप्स जितने भी है वो स्टार्ट, और सेट्स करते हैं स्टार्ट ट्राइसेप्स से। चलो फिर मिलते हैं आगे। तो ट्राइसेप्स में फर्स्ट सेट है ये मेरा, बिल्कुल एकदम वाइड पकड़ के, बिल्कुल एकदम क्लोज करके हैंड्स को, ये मेरा वार्म अप सेट है। और इससे मैंने जो रैप निकाले थे वो 45 निकाले थे, प्लेट थी इसमें आई थिंक 4 या 5 प्लेट थी और 55 लैप्स कुछ था, LBS सॉरी, ठीक है। तो ये मैंने वार्म अप सेट लिया था पहला। इससे अच्छे से आपका जो ट्राइसेप है पूरा एकदम वार्म हो जाएगा, और बिल्कुल इसके बाद जो आप सेट लगाओगे उसमें अलग ही आपको फील आएगा। ये हमारा एक ही सेट लिया था मैंने इसका, ये भी बता देता हूँ मैं आपको, सिर्फ एक सेट लेना है आपको, 45 रैप 50 रैप जितने भी निकाल सकते हो लास्ट तक उतने निकालने, जब तक बिल्कुल एकदम ब्लड फ्लो अच्छे से ना हो जाए ट्राइसेप्स में। फर्स्ट सेट लेते हैं, दिखाता हूँ आगे। तो ये रहा हमारा फर्स्ट सेट। तो ये है बॉथ हैंड ओवर हेड डंबल, दोनों हाथों से आपको ऐसे ग्रिप पकड़ना है ऊपर से, और एल्बो जितना भी आप क्लोज कर सकते हो, जितना भी पास एल्बो को कर सकते हो उतना आपको करना है, उतना ही ज़्यादा ये इफ़ेक्टिव होगा आपके ट्राइसेप्स के लिए। फर्स्ट सेट, इसके 3 आपको सेट्स लेने हैं, जितने ज़्यादा आप रैप्स निकाल सकते हो उसमें उतना ही अच्छा होगा। फर्स्ट सेट आपका कम से कम अगर आप 10-15 का डंबल यूज़ कर रहे हो तो आपका कम से कम 20 का रैप आना ही चाहिए, 20 रैप्स आपके आने चाहिए, तब जाके मज़ा आएगा। मैंने 3 सेट लिए थे इसके और भाई फील ही अलग आता है इसमें मेरे को, ठीक है। तो ट्राइसेप्स, और वैसे भी शोल्डर के बाद ट्राइसेप लगाओगे ना तो मज़ा ही अलग आएगा। चलो सेकेंड सेट की, जो सेकेंड सेट है उसकी तरफ चलते हैं और मिलते हैं आगे। बूम। तो ये रहा हमारा सेकेंड सेट, ये मेरा फेवरेट है ट्राइसेप्स। इससे अच्छे ग्रो ट्राइसेप्स मुझे नहीं लगता किसी सेट से होते होंगे भाई, इसमें बहुत फील आता है, ठीक है। तो ये है हमारा क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, ग्रिप जो होगी जैसे आप चेस्ट में पकड़ते हो वैसे ही आपको बस क्लोज कर लेना है ग्रिप को, हैंड को आपको क्लोज कर लेना है पूरा लॉक करके। लेकिन जब आप इसको नीचे प्रेस करोगे तो आपको कम से कम 4 इंच पूरा एक हाथ ऊपर, एक हाथ मतलब लिटा के ऊपर, ठीक है। जैसे देखो मेरा 4 इंच नीचे जब जा रहा हूँ तो 4 इंच ऊपर है, तभी ये ट्राइसेप्स पे आपको आएगा। 4 इंच आपका ऊपर रहना चाहिए चेस्ट से, चेस्ट से 4 इंच ऊपर आएगा ट्राइसेप्स पे अच्छा फील होगा, फील होगा तो ट्राइसेप्स ग्रो होंगे तो आपका ट्राइसेप्स बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो टी शर्ट आएगी फिट, क्योंकि आपका बाइसेप से ज़्यादा ट्राइसेप दिखता है, ठीक है। तो इसलिए ट्राइसेप्स लगाना चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारा सेकेंड सेट, इसके भी आपको 3 सेट लेने हैं, अच्छे से रैप निकालने हैं, और उसके बाद अब लेते हैं हम अपना थर्ड सेट ट्राइसेप्स का। ये रहा हमारा थर्ड सेट जिसका नाम है रोप प्रेस डाउन, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, जो आपका ये रोप है इसको आपको केबल में ऐसे लगा के और ऐसे नीचे की तरफ स्ट्रेच करना है। एल्बो जो होंगे आपके बिल्कुल चिपके हुए होने चाहिए, ठीक है, और अगर आप फिक्स करते हो तो अच्छे से करना है। तो ये है हमारा थर्ड सेट। इसके बाद जो मैंने लिया था वो मैं दिखा नहीं पाया, फ़ोन हो गया था डिस्चार्ज, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि इसके बाद मैंने कौन सा सेट लिया था और कैसे लिया था। तो मिलते हैं आगे मेरी शक्ल के साथ। बूम।
सो हे गाइस वेलकम। ओहो ये तो हो गया था। तो भाई मैं बता रहा था आपको, ये वीडियोस के बाद अलग से वीडियो बन रहा है क्योंकि मेरा फ़ोन हो गया था डिस्चार्ज। तो शोल्डर का वर्कआउट था वो मैंने पूरा आपको दिखा दिया है, और भी एक्सरसाइज है लेकिन वो मैं आपको किसी और वीडियोस में दिखाऊंगा, ठीक है। अभी मैं यही एक्सरसाइज कर रहा हूँ, तो अभी यही वर्कआउट फॉलो करेंगे जिसको करना है, ठीक है। और शोल्डर बढ़िया से ग्रो हो जाएंगे आपके, मेरी तरह दिखाऊंगा अपने शोल्डर्स भी आपको। अभी इसके बाद हम ट्राइसेप ले रहे थे, ट्राइसेप्स के हमने 3 सेट ले लिए थे। तो हमारा जो 4th सेट था वो था पुली प्रेस डाउन, ठीक है। पुली से वही केबल में फंसा के ऐसे डाउन करके आपको करना है, वो मैं आपको किसी और वीडियो में दिखाऊंगा। और जो हमारा उसमें लास्ट सेट है 5 सेट्स लेने हैं ट्राइसेप्स के लिए। तो हमारा जो लास्ट सेट था, 5वां सेट था हमारा, तो वो लेना है हमने बेंच डिप्स, ठीक है बिल्कुल। उसमें आपको क्या करना है, बेंच डिप्स तो सबको ही पता होगा, नहीं भी पता होगा तो आप यूट्यूब पे देख लेना, ठीक है। लेकिन उसमें आपको ये नहीं बताएंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें आपको करना क्या है, आपको जो अपने हैंड्स हैं उनको क्लोज करना है, उसके बाद हल्का सा नीज को बेंड करके मोड़ के, और तब आपको डाउन जाना है, ठीक है। बाकी तुम्हारे भाई ने माइक ले लिया है, वॉइस का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए पब्लिक को, जितनी भी देख रही है अपन को, ठीक है अपन। ओहो क्या क्या हो गया, ठीक है। तो मेरे को भाई जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं कोशिश करूँगा उनको अच्छे से अच्छा कंटेंट देने के लिए। बाकी अगली वीडियो आपको कौन सी चाहिए वो मेरे को बता देना। डांस के ऊपर चाहिए, वेट लॉस के ऊपर चाहिए, वेट इंक्रीज़ आपको करना है, फैट बढ़ाना है घटाना है, कुछ भी आपको करना है, मैं पूरा एफर्ट लगा दूंगा आपको अच्छा सा कंटेंट देने में। और रिज़ल्ट ना मिले तो चैनल अनसब्सक्राइब कर देना, फुल ऑन गारंटी के साथ, ठीक है। चलो और नेक्स्ट जो हमारा व्लॉग आएगा वो काफ़ी मज़ेदार होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। बाय।